हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। कुकवेयर और यूटेंसिल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज के बारे में हम आज सारी बात करेंगे। बेसिकली इंडस्ट्रीज जो कुकवेयर की इंडस्ट्रीज हैं, यूटेंसिल के जो इंडस्ट्रीज हैं, इनके लिए अभी 3 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आए हैं। उसमें एक तो कुकवेयर का है, दूसरा पोर्टेबल वाटर का है और तीसरा आपका है इंसुलेटेड फ्लास्क बॉटल और कंटेनर जो इंसुलेटेड होते हैं इनका। तो 3 QCOs आए हैं इसमें। हम और साथ ही साथ QCOs के साथ आपको थोड़ा प्रोसेस ब्रीफ करेंगे, BIS के बारे में बताएंगे, लाइसेंस कैसे ग्रांट होगा, अपकमिंग क्या ऑर्डर्स आने वाले हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रमोद जसवाल है और मैं इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में वर्किंग हूँ एज ए डायरेक्टर। मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ हमने काम किया है, ग्लासवेयर इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, कंक्रीट, पेवर ब्लॉक, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, तो इन सब के लिए हमने काम किया है। बात करते हैं BIS के बारे में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो क्वालिटी कंट्रोल को रेगुलेट करती है और कस्टमर के लिए थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करते हैं मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के बीच में। BIS का जो मेन रोल है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग एंड अवेयरनेस, मेनी मोर एक्टिविटीज़ हैं जो BIS परफॉर्म करता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो QC का ये आया है कुकवेयर का, ये 9 अगस्त 2023 को आया है। कुकवेयर में बहुत सारे वैरायटीज़ हैं जो इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी कैटेगरी में आती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का 9 फरवरी 24 में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ये 9 मई 24 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड ये माइक्रो कंपनीज़ का 9 अगस्त 2024 में इम्प्लीमेंट होगा। इसमें स्टैंडर्ड कौन कौन से कवर है यदि हम बात करते हैं तो 14756 ये स्टेनलेस स्टील कुकवेयर के लिए है, IS स्टैंडर्ड 1660 रॉट एलमोनियम यूटेंसिल के लिए है और IS स्टैंडर्ड 13983 ये स्टेनलेस स्टील सिंक फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड IS स्टैंडर्ड 9396 पार्ट 1 ये राउंड ओपन टॉप सैनिटरी कैंस एंड फूड ड्रिंकिंग इसके लिए है और IS स्टैंडर्ड 14407 ये एलमोनियम कैंस एंड बेवरेजेस के लिए है। तो ये लगभग 5 स्टैंडर्ड्स हैं जो इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर कवर किए जा रहे हैं। कुकवेयर की मैं बात करूं, कुकवेयर के अंदर भी कई सारी वैरायटीज हैं, जैसे कि कुकवेयर अपने आप में एक वैरायटी है, सर्विंग यूटेंसिल्स हैं, टेबल यूटेंसिल है, स्टोरेज यूटेंसिल है, ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइसेंस कैसे मिलेगा, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। एलिजिबिलिटी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेंट शुड हैव इस ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। यदि आप ट्रेडर हैं या सप्लायर हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को ही लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके लिए आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू शुड हैव टेस्टिंग फैसिलिटी इन हाउस टू क्वालिटी कंट्रोल। आपके पास सारा टेस्टिंग इक्विपमेंट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए और एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए जो BIS के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से। यदि हम बात करते हैं कि हमारी एक्सरसाइज एप्लीकेशन लगाने की पहले जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड, आपका प्रोडक्ट कौन से स्टैंडर्ड में फॉलो करता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि उनका कटलरी है या उनका कोई बाउल है जो स्टोरेज टाइप का है या उनका कुकिंग यूटेंसिल है, या कई लोग पूछते हैं कि प्रेशर कुकर क्या कुकिंग यूटेंसिल में कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड को गो थ्रू करना पड़ेगा, एक्सपर्ट के एडवाइस लेनी पड़ेगी और आपको स्टैंडर्ड को गो थ्रू करके आप अपने प्रोडक्ट को समझ कर कि आपका प्रोडक्ट क्या है
और किस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में फॉल करता है। देन सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने स्कोप में लेना क्या, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटीज है। एक एक स्टैंडर्ड के अंदर, एक स्टैंडर्ड एक प्रोडक्ट को कंसिडर करता है, बट उस प्रोडक्ट के अंदर वैरायटीज अलग अलग हो सकती हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, कुकवेयर में ही अपने आप में चार वैरायटीज हैं, जो उसमें यूटेंसिल्स की है, सर्विंग यूटेंसिल है, टेबल यूटेंसिल है, कुकवेयर कुकिंग यूटेंसिल है। तो ये सारी यूटेंसिल्स कुकवेयर में अपने आप में चार वैरायटीज हैं। तो आपको स्कोप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको लेना क्या है लाइसेंस में, आपको चारों लेना है या कोई दो लेना है, क्योंकि इन चीज़ों पे आपकी फाइनेंशियल एक्सरसाइज भी वर्क करती है। आपको कितना पैसे टेस्टिंग में लगने हैं वो इस पे डिसाइड होगा। लैब इंस्टॉलेशन में आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपको स्टेनिंग टेस्ट हो सकता है, कोटिंग टेस्ट हो सकता है, यदि आपका प्रोडक्ट में कोटिंग हो रहा है उसकी टेस्टिंग हो सकती है, आपका प्रोडक्ट जो है उसमें यदि ट्राई प्लाई है, थ्री प्लाई टू प्लाई प्रोडक्ट है तो उसमें जो क्लैडिंग है वो थर्मल शॉक वगैरह टेस्टिंग होती है। ये सारी टेस्ट होते हैं जो हम लोग पूरी तरह से स्टैंडर्ड को रीड करते हैं और समझने के बाद हम लिस्ट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए। फोर्थ स्टेप है जो आपको डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपको सबसे पहले तो जनरल डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपके रेंट एग्रीमेंट हो सकता है या रजिस्ट्री है। प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट में आपकी रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कॉपी, एमओए, पार्टनरशिप डीड हो सकता है। जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ऑनर्स पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे जनरल डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं। सेकेंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें आपका लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, आपकी फैक्ट्री का लेआउट, स्टोरेज, एवरीथिंग, एंड साथ में मटेरियल कौन सा होना चाहिए, उसमें टेस्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि हम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की बात करें तो अभी रिसेंटली जो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है कुकवेयर के साथ, ये इंसुलेटेड फ्लास्क बॉटल एंड कंटेनर के लिए आया है। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 14 जुलाई 2023 में आया हुआ है और लार्ज स्केल और फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये 14 जनवरी 2024 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए 14 अप्रैल 2024 में इम्प्लीमेंट होगा और माइक्रो कंपनीज का ये 14 जुलाई 2024 में इम्प्लीमेंट होगा। इसके अंदर कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं, लगभग 3 स्टैंडर्ड हैं इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर, मैं 1x1 आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड है IS 17790, ये इंसुलेटेड फ्लास्क फॉर डोमेस्टिक यूज के लिए है। सेकेंड स्टैंडर्ड है IS 17526, ये डोमेस्टिक स्टेनलेस स्टील वैक्यूम फ्लास्क एंड बॉटल, जो आपका डबल बॉल बॉटल्स होते हैं या वैक्यूम फ्लास्क होते हैं, जिसमें आप गर्म पानी रख सकते हैं या ठंडा पानी रखेंगे, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो ये स्टैंडर्ड भी इसमें इंप्लीमेंट हो रहा है। थर्ड स्टैंडर्ड है IS 17569, ये इंसुलेटेड कंटेनर फॉर फूड, ये काइंड ऑफ लंच बॉक्स एंड इन सब चीज़ों का जो स्टैंडर्ड है वो है। तो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज जो यूटेंसिल्स बनाती हैं उनके लिए। इसी में सेकंड एक और स्टैंडर्ड है पोर्टेबल बॉटल के लिए, ये स्टील, कॉपर, अल्मोनियम, ये 3 तरह के बॉटल्स को कवर करता है। कैपेसिटी 1.5 लीटर के तक के बॉटल जो सिंगल बॉल होते हैं। ये स्टैंडर्ड 5 जुलाई 2023 को आया था, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन 5 जनवरी 2024 को लार्ज स्केल एंड फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। स्मॉल स्केल के लिए 5 अप्रैल 2024 एंड माइक्रो के लिए 5 जुलाई 2024 में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस स्टैंडर्ड का जो IS कोड है 17803 है, जिसके अंदर आप तीनों कैटेगरीज जो आपकी स्टील है, अल्मोनियम है एंड कॉपर है, ये तीनों सेपरेट कैटेगरीज कवर हो जाएंगे। थैंक यू।